কি হলো জানা দি কেন গো বাচ্চা ছোট ছোট একদম ছোট ছোট अगर अगर कुछ ऐसे कुछ नया छोटा छोटा रैबिट्स का बच्चा देखने के लिए मिलेगा तो उसका पूरा स्टोरी नीचे जाके शेयर करता हूँ। पहले खुद को देखना होगा झरना दी क्या बोल रही है, कोई गलत सहनी हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली चंद्रा रैबिट्स का छोटा छोटा बच्चा कहाँ, अरे सब मिलके एक साथ चलो 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 बगीचे में जाने के लिए तैयार हो रहा था सही टाइम में झरना दी। अच्छा कहाँ है, कहाँ देखा हा? कुथा है? नहीं नहीं, वो दिखाने से पहले इसका जो लंबा स्टोरी है शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में मैं आप सभी को कह देता हूँ। कुछ दिन पहले हम लोगों को पता चल गया था कि एक व्हाइट रैबिट प्रेग्नेंट हुआ था, मतलब माँ बनने वाली थी। उसके बाद चंद्रा तो यूट्यूब में वीडियो बना था उसका, और बहुत सारे लोगों का कॉमेंट था नहीं सबसे पहले इन लोगों को सीड्स दे देना होगा, नहीं तो ये वीडियो बनाने नहीं देगा, इतना चिल्लाएगा। चलो आ जाओ चंद्रा से साफ कर दो। तो जो हुआ था बहुत सारे लोगों का कॉमेंट था कि जब रैबिट बच्चा देती है तो बाकी सारे रैबिट्स को या मेल से अलग रखना पड़ता है क्योंकि मेल बच्चे को मार भी सकता है। तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया था, मतलब मैंने नहीं चंद्रा ने क्या किया था, बाकी सारे रैबिट्स को ले जाके ऊपर अलग जगह में शिफ्ट कर दिया था सबको, सिर्फ वो अकेली फीमेल को छोड़ के। और हम लोग हर दिन देखते रहते हैं कि वो फीमेल क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, नया बच्चे का जन्म दे दिया है या मतलब क्या है, उसका मूवमेंट हर दिन फॉलो करता रहता था। लेकिन उसका 6-7 दिन 8 दिन के बाद पता चला कि वो जो फीमेल रैबिट था, हाँ बैठो 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 बैठो, वो जो फीमेल रैबिट था उसका हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ये हो रहा है या दूसरा कोई कारण है हम लोगों को पता नहीं चला। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मतलब जब प्रेग्नेंट रहता है तो इतना मतलब बहुत हेल्दी था, सडनली एकदम दुबला पतला हो गया और उसका बॉडी का अलग अलग पार्ट का फार ऐसे मतलब वो उठ गया था। तुम्हारे हाथ से लेना बहुत पसंद करता है वो लाली, उसका नाम दिया लाली। तो अलग अलग बॉडी पार्ट में से फार गायब हो रहा था, तो मैंने भी सोचा कि कोई बीमारी तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। उसके बाद चंद्रा ने सोची कि हाँ शायद वो अकेली होगी तो इसी के लिए डिप्रेशन में चला गया होगा, तो उसका मेल को लाओ। उसका मेल को लाया और उसके साथ और एक दो को लाया, ला के यहाँ छोड़ दिया। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत ढूंढने का कोशिश किया कि वो तो प्रेग्नेंट था, पेट ऐसे फुला हुआ था, सडनली एकदम ऐसे चिपक गया। फिर भी हम लोग, सच कहता हूँ कसम से, ऐसे आप लोगों को बताऊँ कि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया। इससे पिछले का वीडियो में आप देखिएगा, मैंने हम लोगों ने आके यहाँ ढूंढने का कोशिश किया कि कहीं मतलब कहाँ होल बनाया या क्या हुआ, और यहाँ जो देखा था एकदम, चंद्रा ने उस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया था, एक एक जगह चंद्रा यहाँ ऊपर चढ़ के दिखाई थी कि हर एक मतलब जो होल बनाया था पहले वो सब बंद कर दिया था, मतलब कोई भी होल वगैरह कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं शायद वो बीमार हो गया है, इसी के लिए नया बच्चे का जन्म नहीं देगी फीमेल। लेकिन आज जो देखा, अभी देखा, लेकिन वो अच्छा, ये देखो, नहीं यहाँ तो कोई होल नहीं है झरना दी, ये दोनों बेबीज कहाँ, वो देखो हाँ ये देखो वो क्या? नहीं पापा ये अभी बहुत बड़ा हो गया, हाँ बड़ा होके निकल गया झरना दी। इधर ही देखे छो ना, आर देखे छो, प्रथम एक्टर देखे छो, अच्छा और भी है शायद, अच्छा लेकिन कहाँ, मतलब ये लोग इतना बड़ा कहाँ रह के हुआ, नहीं वहाँ कोई होल नहीं है। पकड़ो तो पकड़ो इसको पकड़ो, रुको तो चंद्रा, ओ हो यहाँ होल है, हाँ नहीं होल मिल गया, पापा और भी है, नहीं कुछ नहीं होगा, रुको, ओ रे बाप रे, लाइफ में फर्स्ट टाइम रैबिट्स का कैसे सच में हम लोगों को पता ही नहीं चला कि ये कैसे
रही हूँ। उरी बाप रे, चंदा ये तो बहुत बड़ा होल है। उरी बाप रे, ये तो बहुत बड़ा होल है। ये देखो क्या क्या चीज निकल रहा है। कहाँ जाके खत्म हुआ? पूरा होल कर दिया। अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड नहीं, शायद दो हुआ होगा। क्या और भी हो सकता है? चार होता है, चार। रियो देखो इस तरह कैसे हो गए। रियो ओ इसलिए से अरे के खोलो से कहां रियो ये भी आ गया। नहीं शायद दो दो ही हुआ था। ऑक्टोपस नहीं, इस साइड में तो नहीं है। नहीं होल यहाँ ही खत्म हो जाता है। हाँ? होल तो यहाँ ही खत्म। झरना दी कुछ लेके आइए, तो उंगली में दर्द हो रहा है। ये देखो एक, ये देखो यही तो एग्जोटिक पैरट्स का, मकाओज, अफ्रीकन ग्रे, कॉकाटू, सनकोनी और वगैरह वगैरह, बजीज, लवबर्ड, कॉकटेल, सबका ब्रीडिंग कराया और उन लोगों का पूरा ब्रीडिंग प्रोसीड्योर के बारे में तो पूरा पता है। लेकिन रैबिट्स का ब्रीडिंग का सिस्टम हम लोगों ने उस दिन आके बहुत कोशिश किया, लेकिन यहाँ जो मटकी था उसको हटा के नहीं देखा। मतलब कितना छुपके, मतलब हर रोज हमेशा, दिन में तो कितना बार झरना दी, संजय, सारे स्टाफ, बहुत सारे विजिटर सब आते हैं, हम लोग भी आते हैं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा बच्चा हो गया लेकिन फीमेल तो बाहर ही घूमती थी। एक्चुअली वो बच्चा होने के बाद ना वो यहाँ नहीं रहता था, वो हमेशा जब भी हम लोग देखते थे बाहर वहाँ जाके सोया हुआ रहता था वगैरह। टाइम टू टाइम आकर खाना खाना हम लोगों की नजर में। वाओ झरना दी लाया, चेक करके देख लेंगे कि और कोई कुछ है कि नहीं। दो ये क्या हो सकता है, ये जाला होने। इतना सारा लोगों का आंखों में धूल छोक के सक्सेसफुली कैसे इन दोनों का मतलब छुपने में तो ये लोग माहिर है। मतलब इतना सारा लोगों का आंखों में धूल झोंक के दो बच्चे को इतना बड़ा कर दिया है। सच में नहीं, यहाँ पूरा होल खत्म हो जाता है। आस्ती रुद्र गिर गया। और सच में लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे दिखाओ तो। हाँ राजेश जी दिखाओ। पैरट दीपंकर फार्म में दो नया नया रैबिट का बेबीज का फर्स्ट टाइम जन्म हुआ है। मतलब इससे पहले ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और ये ऐसा एक एक्सपीरियंस कि इतना सारा लोगों का हर दिन इतना लोग आता जाता रहता है, इतना सारा लोगों का आंखों में धूल झोंक के दो बच्चे को पाल पोस के सही तरीके से इतना बड़ा कर दिया। वाओ, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पसीना 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 पूरा पूरा। रुद्रा क्या कर रहे हो? दौड़ होते मेरा पे। ओ, लेकिन हमको जहाँ तक पता था कि रैबिट्स का तो बहुत सारा बच्चा एक साथ होता है ना। हाँ। तीन चार पांच ऐसे कुछ बच्चा होता है और फिलहाल ये दो। अच्छा इसका ईयरपोर्ट देखो। हाँ, कान में क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया? कान में क्या हुआ ये? अच्छा
बेटाडाइन ऑइंटमेंट से अच्छे से रगड़ रगड़ के धोने के बाद ना टी बैग ऐसे कुछ ऑइंटमेंट है। हाँ 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 लगा दो। तो ये देखो कितना सुंदर है बच्चा। ये देखो दूध पिला दो यार, मैं थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया। और मैंने भी सुना था कि मतलब ब्रीडिंग के टाइम ये लोग खुद का फार को तोड़ के वहाँ बिछा देते हैं। फार को बॉडी से ना तोड़े इसी के लिए हम लोगों ने वो कॉटन भी दिया था, लेकिन फिर भी खा रहा है। और तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। दीपंकर फार्म का नया मेहमान, इन लोगों ने ऐसे सरप्राइज दिया कि क्या बताऊँ, पता ही नहीं चला कब यहाँ हो के इतना बड़ा हो गया। हाँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर होगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डिग्री आप लोग का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और अभी वीडियो खत्म नहीं करेंगे, वहाँ उन लोगों का होल को थोड़ा सा तोड़ा है एक्साइटमेंट में देखने के लिए ऐसे खोद दिया, लेकिन वो करना नहीं चाहिए था। बाद में हमको दिमाग में आया, मतलब थोड़ी खोदने के बाद उसके बाद दिमाग में आया कि नहीं करना चाहिए था, और भी बच्चा हो सकता है, तो एक बार अच्छे से पूरा एकदम खोद के देख लेंगे उसके बाद फिर से। मतलब अभी तो उस होल में और बच्चा नहीं ले करेगी तो फिर से वो लोग बना लेंगे, लेकिन आगे से ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन अगर खोद लिया है तो एकदम अच्छे से छानबीन करके देख लेंगे और कुछ है कि नहीं। और पसीना देखो तभी से टपकते ही जा रहा है, इतना गर्मी है। सुबह तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ह्यूज क्वांटिटी में फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग दे के रखते हैं, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, ताकि जितना ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग देंगे बर्ड्स का डिहाइड्रेटेड होने का चांस उतना कम रहेगा। और सीड्स का क्वांटिटी सीड्स भी देना होगा, क्योंकि बर्ड्स वाइल्ड में बर्ड्स जितना डाइट लेता है एक दिन में उसका अंदर बहुत सारा फैट कंटेंट भी रहता है। अफ्रीकन ग्रे का जैसे 70% फैट कंटेंट, एक दिन में जो डाइट लेता है उसका अंदर 70% ऐसे फैट कंटेंट रहता है, और बाकी का सारे बर्ड्स मतलब एक्जोटिक पैरेट्स में फैट कंटेंट ऐसे सनफ्लावर सीड्स वगैरह मिक्स सीड्स जो होता है इसका अंदर 12 14 15 टाइप का एलमंड वॉलनट से लेके सनफ्लावर सफोलर सीड वाटरमेलन सीड्स करेला का सीड्स बहुत सारा सीड्स रहता है, ये भी देना पड़ता है। लेकिन गर्मी का मौसम में फ्रूट्स वेजिटेबल्स का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाना सही रहता है। और सुबह का टाइम बहुत ज्यादा गर्मी है, डिहाइड्रेटेड ना हो जाए उसके लिए पानी में इलेक्ट्रोल पाउडर या ओआरएस में तो थोड़ा सा फ्लेवर रहता है, इसी के लिए हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रोल पाउडर, उसमें कोई फ्लेवर नहीं रहता है। 1 लीटर पानी में एक पाउच डालने से बहुत अच्छा काम कर जाता है, सारे बर्ड्स पूरा दिन एकदम एक्टिव एंड फिट रहता है। चलो ले लो, मांग का क्या हुआ, आ जाओ रुद्र, ये सारे बर्ड्स को खिला दो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, देखो कितना सुंदर व्हाइट सफेद कलर को मैंने रेड कर दिया, ट्रीटमेंट तो करना होगा। ये देखो उल्टा साइड में भी कुछ है, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ले लो। हो गया, एक मिनट, ये देखो ठीक है, तुम एकदम ठीक हो जाओगी अभी। चलो अभी वो मिट्टी को एकदम सही कर देंगे, पहले एक बार खोद के देख लेंगे। हम लोग नॉर्मली जो जानते हैं कि रैबिट्स का 3, 4, 5, 6, 7 तक बेबीज होता है, लेकिन अभी देखा सिर्फ 2, तो इसी के लिए एक बार अच्छे से खोद के देख लेंगे, उसके बाद मिट्टी को एकदम सही कर देंगे। नहीं, अच्छे से देख लिया और कुछ नहीं है। क्या तुम अफ्रीकन ग्रे पैरेट होके घास खा रहे हो? घास कब से खाना शुरू किया? सर पे कौन बैठा? कॉकटेल। इतना अच्छा व्हिसलिंग करता है ना, ये देखो। अच्छा 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 ठीक है।